और इसके यूज करने से आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो और इतनी ज्यादा व्हाइट हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि समर में भी हम इतनी अच्छी स्किन कैसे ले सकते हैं। तो आज की नाइट क्रीम जो है हम इसको बनाकर स्टोर नहीं करेंगे बल्कि इसको फ्रेश डेली फ्रेश बनाएंगे और डेली इसको रात को सोने से पहले लगाएंगे और बहुत ही अच्छे आपको एक वीक के अंदर ही रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगा, आपकी स्किन में बहुत अच्छी सी व्हाइटनिंग आ जाएगी। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मस्तली प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपनी वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने हाफ कप के बराबर रॉ मिल्क लेना है। रॉ मिल्क में आपने हाफ लेमन को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद जो दूध है वो फट जाएगा, तो आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है और जो उसका पानी है वो अलग कर लेना है। उसकी जो क्रीम है वो हार्ड सी क्रीम आपने अलग कर लेनी है और वो जो क्रीम है वो उसको हम अपने यूज में लेंगे। तो क्रीम को अलग करने के बाद इस तरह की थिक सी क्रीम आपके पास आएगी, आपने दूध का पानी अलग कर लेना है, उसको हमने यूज नहीं करना। आपने उसकी क्रीम जो है वो स्ट्रेनर में रह जाएगी, आपने वो उसको यूज करना है, बिल्कुल इस तरह से आपको मिलेगी और आपने इसको यूज करना है। इसके बाद आपने इसमें हाफ टी स्पून इसमें बाउटर मिल्क का ऐड करना है, 1 teaspoon इसमें आपने आलमंड पाउडर का ऐड करना है और लास्ट में 1 हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी क्रीम जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, देखने में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो हमने इसमें दूध इस्तेमाल किया है फटा हुआ दूध, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छी से व्हाइटनिंग देगा। तो आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने इसको रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करके आपने इसी तरह अपने फेस पर और नेक पर आपके हाथों पाँव पे जहाँ भी आपको चाहिए व्हाइटनिंग वहाँ पे इसी तरह आपने अप्लाई करना है और इसको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जल्दी मसाज करते हुए आपने इसको अपनी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेना है और सुबह आपने इसको ओवरनाइट लगा रहने देना और सुबह को इसको आपने ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। आपने ये प्रोसेस डेली करना है और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको एक वीक के अंदर ही बहुत ही अच्छे से इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी स्किन में बहुत अच्छी सी व्हाइटनिंग आएगी। ये नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप चाहें तो इसको बनाकर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाकर रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको डेली फ्रेश बनाएं और डेली इसको यूज़ करें। इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये नाइट क्रीम आपके लिए। समझ में आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी और आपकी स्किन में बहुत अच्छी सी व्हाइटनिंग आएगी। तो ये नाइट क्रीम आज की बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद ये मेरी स्किन के अंदर बिल्कुल अब्सॉर्ब हो चुकी है और आपने इस तरह इसको ओवरनाइट लगा रहने देना और सुबह को आपने इसको वॉश करना है। तो ये आज की नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप बहुत से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं आप भी कोई अच्छी क्रीम बताएं, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑयली स्किन वाले अक्सर परेशान रहते हैं कि वो कौन सी क्रीम यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रीम्स होती हैं मार्केट में वो ऑयल बेस्ड होती हैं और ऑयली स्किन के लिए तो वो और भी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट नाइट क्रीम है, उसको डेली बनाकर डेली यूज़ करें, इंशाल्लाह उनकी स्किन पर एक्सेस ऑयल खत्म होगा, पिंपल्स रिमूव होंगे और उनको बहुत अच्छे से फाइट मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।